हे गाइस, दिस इज प्रीति। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 13 अगस्त के करंट अफेयर। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो की PDF डाउनलोड करनी हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और ईजिली रिविजन कर सकते हैं। शुरुआत करेंगे कल के पूछे गए क्वेश्चन से। हमारा क्वेश्चन था, देश की पहली प्राइवेट ट्रेन का नाम क्या है? देश की पहली प्राइवेट ट्रेन का नाम क्या है? यहाँ पे हमारे देश की पहली प्राइवेट ट्रेन का नाम है तेजस, याद रखिएगा। बात करते हैं हम लोग आज के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य ने कृषि आशीर्वाद योजना शुरू किया? कृषि आशीर्वाद योजना शुरू किया गया है झारखंड के द्वारा। किसके द्वारा शुरू किया गया है? झारखंड के द्वारा। बात आती है कि इस योजना में क्या क्या चीज़ें हैं, तो इस योजना को सबसे पहले जान लीजिए कि इसको 10 अगस्त 2019 को शुरू किया गया और इसकी शुरुआत लॉन्चिंग किसने की है, तो हमारे उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू, इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसमें किया क्या जाएगा कि जो भी किसान होंगे जिनके पास 1 एकड़ या उससे कम भूमि होगी उन्हें 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी और जिन किसानों के पास 5 एकड़ भूमि है उन्हें 2 किस्तों में 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे झारखंड की, तो आपको तुरंत याद आना चाहिए झारखंड की कैपिटल क्या है। झारखंड की कैपिटल है रांची और रांची से 2018 में आयुष्मान भारत योजना को लॉन्च किया गया था झारखंड के रांची से। यहाँ के CM कौन है? रघुबर दास है यहाँ के CM। और इसके अलावा गवर्नर की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू हैं यहाँ की गवर्नर, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, हाल ही में किस बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा मिला? तो अनुसूचित बैंक का दर्जा मिला है JSFB बैंक को। किसे मिला है? JSFB। अब आपके माइंड में तुरंत क्वेश्चन आ रहा होगा कि JSFB बैंक का फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसकी शुरुआत की गई थी 2018 में और हाल ही में इसको घोषित कर दिया गया है अनुसूचित बैंक, ठीक है। अनुसूचित बैंक होते कौन हैं? ऐसे बैंक जिन्हें RBI एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में रखा गया है उसे हम लोग कहते हैं अनुसूचित बैंक। अब बात आई है यहाँ पे RBI की, तो थोड़ा सा RBI के बारे में जान लेते हैं। देखिए, RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, जिसे हम लोग बैंकों के बैंक के नाम से जानते हैं। और वर्तमान में RBI के 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास कौन से नंबर के गवर्नर हैं, तो 25वें गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में जारी लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग नामक पुस्तक किसके बारे में है? मतलब एक पुस्तक है लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग, यह पुस्तक किसके बारे में लिखी गई है? तो यह पुस्तक लिखी गई है हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के बारे में, ठीक। आपको पता है कि इन्होंने अपने कार्यकाल का 2 वर्ष पूरा कर लिया और इस कार्यकाल में इन्होंने जो भी उपलब्धियाँ हासिल की है उसका वर्णन इस बुक में किया गया है। और इस बुक को लॉन्च कहाँ पर किया गया है? तो इसको चेन्नई में लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? हमारे गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा। और वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद और ये भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 17 और 18 अगस्त 2019 को भारत के प्रधानमंत्री किस देश की यात्रा करेंगे? तो यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री यात्रा करेंगे भूटान देश की। और मैंने आपको बताया था कि नदियों का जो विवाद है उसको सुलझाने के लिए शेख हसीना भारत आएंगे अक्टूबर 2019 में, जो कि बांग्लादेश की PM है, ठीक है। फिलहाल अभी 17-18 अगस्त 2019 में भारत के प्रधानमंत्री किसकी यात्रा करेंगे? भूटान। भूटान बहुत दूर नहीं है, आपको पता है भारत के उत्तर में स्थित है, उत्तर पूर्व में स्थित है भूटान, ठीक है। तो भूटान के बारे में एक चीज़ जान लीजिए कि भूटान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, ठीक है। और इस बैठक में क्या होगा? तो इस बैठक में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के मध्य द्विपक्षीय वार्ता होगी। अब बात आई है तो भूटान की राजधानी कहाँ है? भूटान की राजधानी है थिम्पू,
याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है, यहाँ पे बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की, तो इसको मनाया जाता है 12 अगस्त को, और इस बार इसकी थीम क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। क्योंकि मैं आपको अपने वीडियो में बार बार एक ही चीज़ बताती हूँ कि जितने ज़्यादा लोग एजुकेटेड रहेंगे हमारी कंट्री उतनी तेज़ी से डेवलप होगी, तो इसलिए इसकी थीम भी क्या रखी गई है, ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। हालांकि ये थीम मेरे ओपिनियन के हिसाब से नहीं रखी गई है, तो सबका ओपिनियन हो सकता है भाई। बेसिक सी चीज़ है कि जहाँ पे एजुकेशन जितना अच्छा रहेगा वहाँ पे इन्वायरमेंट भी अच्छा रहेगा, वहाँ पे विमेंस की भी जो स्थिति है वो भी काफ़ी सुधारजनक रहेगी, वहाँ पे लोग जॉब भी अच्छे करेंगे, इन्वेंशन भी अच्छे करेंगे, तो इस वजह से थीम क्या रखी गई है, ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। इसकी शुरुआत किसने किया है, तो अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस होते हैं मैक्सिमम उसकी शुरुआत किसके द्वारा किया जाता है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सन 2000 में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन शुरू किया गया था। और भारत को तो युवाओं का देश कहा जाता है, क्यों, क्योंकि भारत में 35 वर्ष से कम आयु के 65% से अधिक युवा हैं। तो अब बताइए, आप सुने होंगे ना कि हम लोग क्या हैं, हम लोग भविष्य के नेता हैं, तो सही बात है, बिल्कुल सही बात है, हम लोग भविष्य के नेता हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत किसे है, हमें, सही क्या है, गलत क्या है, किसी चीज़ में सुधार कैसे लाया जा सकता है, ये सब हम लोग ज़्यादा बेटर सोचेंगे। ठीक, फिलहाल अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस के बारे में। तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को, क्यों, क्योंकि 12 जनवरी को विवेकानंद जी का बर्थडे है, और विवेकानंद के बारे में तो कौन नहीं जानता है। ठीक है, उनके कोट्स पढ़िए, कितने एनर्जेटिक एंड मोटिवेशन वाले उनके कोट्स होते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में भारत की शीर्ष खुदरा कंपनी कौन सी बनी है, भारत की शीर्ष खुदरा कंपनी बनी है वॉलमार्ट, कौन सा है, वॉलमार्ट बनी है। मैंने आपको बताया था कि वॉलमार्ट ने 2018 में फ्लिपकार्ट की 77% हिस्सेदारी को 16 अरब डॉलर में ख़रीद लिया है, और आपको पता है इसी तरह हम लोग भी एक ऑनलाइन कंपनी लॉन्च करने वाले हैं जिसका नाम होगा डील माई शॉप। जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, उसी तरह आप जल्दी ही एक और चीज़ लॉन्च की जाएगी। ठीक है, चलिए फिलहाल अब हम लोग बात कर रहे हैं वॉलमार्ट की, तो वॉलमार्ट के सीईओ कौन है, डॉग मैकमिलन है, डगलस मैकमिलन है वॉलमार्ट के सीईओ, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े तोते के जीवाश्म की खोज हुई, दुनिया का सबसे बड़े तोते के जीवाश्म की खोज हुई है न्यूजीलैंड में। न्यूजी मतलब नई नई चीज़ें आती हैं, और अभी इन्होंने क्या किया, सबसे बड़े तोते के जीवाश्म की खोज कर लिया है। अब इसका वजन कितना है और इसका आकार कितना है, कि हम लोगों ने इसको दुनिया का सबसे बड़ा तोता कह दिया, इसका वजन है 7 किलो और इसकी लंबाई है 1 मीटर, इसलिए इसको कहा गया। और 1 मीटर हम लोग हाथ से नापते हैं ना, तो आप देखिए कि कितना बड़ा तोता है। वैसे तो तोते छोटे से होते हैं, बड़े क्यूट से होते हैं, हम लोग को उनसे डर नहीं लगता, लेकिन इतना बड़ा होगा तो डर तो लगेगा ही ना। ठीक है, फिलहाल इसके आकार और वजन के आधार पर वैज्ञानिकों ने इसको हेराक्लीज इंस्पेक्ट्स नाम दिया है। इससे पहले अगर हम लोग बात करें सबसे बड़ा तोता किसे कहा जाता था, तो कागपू तोते को सबसे बड़ा कहा जाता था, लेकिन यह उसका डबल है। बात आई है न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, वेलिंगटन, और यहाँ की पीएम है जेसिंडा अर्डर्न। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख कब से केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जाने जाएंगे, तो ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जाने जाएंगे कब से, बताइए, ये जाने जाएंगे 31 अक्टूबर 2019 को, और 31 अक्टूबर को क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। आपको पता होना चाहिए कि रियासतों के एकीकरण का काम किसने किया था, वल्लभ भाई पटेल ने किया था, और उस समय 3 रियासतें थी जो विलय नहीं कर रही थी, जूनागढ़, ठीक है, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। जूनागढ़ हैदराबाद को तो विलय करवा लिया गया था, लेकिन जब हमारा जम्मू कश्मीर ऐड हुआ था तो वो आर्टिकल 370 इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत हुआ था, जिसकी वजह से आप देखते होंगे कि आतंकवाद को सबसे ज़्यादा, क्योंकि उस आर्टिकल 370 और 35A में कुछ ऐसे प्रावधान थे जिससे आतंकवाद को बहुत तेज़ी से और बहुत ईजिली बढ़ावा मिल जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब चीज़ें बदल रही हैं, और अब पूरा का पूरा कश्मीर जब भारत के कंट्रोल में होगा हर तरीके से। अभी तक क्या था कि हम संचार
व्यापार, विदेश मंत्रालय और एक कुछ छोड़ करके बाकी किसी भी चीज़ में हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। मतलब ना तो हम वहाँ पे भूमि एक्वायर कर सकते थे, ना तो वहाँ पे जॉब कर सकते थे, ना अगर कोई भी व्यक्ति वहाँ की किसी लड़की से शादी कर लेता था या कोई लड़की यहाँ के मतलब किसी भी अदर स्टेट से शादी कर लेते थे अदर स्टेट के लड़कों से, तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती थी। हम भारत के संविधान में क्या पढ़ते हैं कि हमारे संविधान में एकल नागरिकता है, लेकिन आपको पता है जम्मू कश्मीर एक ऐसा स्टेट था जहाँ पे ड्यूअल नागरिकता थी। वहाँ पे जो भी नागरिक होता था उसके पास जम्मू कश्मीर की भी नागरिकता होती थी और भारत की अलग से। इसके अलावा हमारे भारत के झंडे को वहाँ पे नहीं फहराया जाता था, उनका एक अलग झंडा होता था। तो बहुत सी चीज़ें हैं, मैंने वीडियो भी पढ़ाया है तो आप वहां पे पढ़ सकते हैं डिटेल में। ठीक, फिलहाल ये कब से कार्यरत होगा, 31 अक्टूबर 2019 से। चलिए अब हम लोग बात करते हैं। देखिए कोई भी बिल कानून कब बनता है, जब उसको पहले लोकसभा राज्यसभा में पारित हो जाए, लेकिन जब रामनाथ कोविंद, जो कि अब रामनाथ कोविंद नहीं मतलब राष्ट्रपति की सहमति ज़रूरी होती है, और अभी हाल ही में राष्ट्रपति ने सहमति दे दिया है इस विधेयक को और 31 अक्टूबर से यह प्रभावी हो जाएगा। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आर्टिकल 370 को हटाने का प्रस्ताव 5 अगस्त 2019 को रखा था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश में सबसे ज़्यादा समकालीन स्वदेशी भाषाएं बोली जाती हैं, तो यहाँ पे कौन सा देश है, यहाँ पे देश का नाम है पपुआ न्यू गिनी। पपुआ न्यू गिनी में सबसे ज़्यादा स्वदेशी भाषाएं बोली जाती हैं, करीब 840, और इस रैंकिंग में भारत चौथे नंबर पर है जहाँ पे 453 भाषाएं बोली जाती हैं। और हमारे संविधान में कितनी भाषाएं ऐड है, 22 भाषाएं ऐड हैं। ठीक है, और यही सब देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने 2019 को स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। संयुक्त राष्ट्र की बात आ गई है तो यहाँ पे थोड़ा सा जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, सदस्य देश हैं 193 और इसके अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरस, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, किस आईआईटी ने मूत्र को रिसाइकिल करने के लिए एक सिस्टम को डिज़ाइन किया, इस सिस्टम को डिज़ाइन किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। अच्छा, आईआईटी मद्रास का नाम लेते ही आपके माइंड में आना चाहिए कि आईआईटी मद्रास ने सबसे भारत का सबसे पहला स्वदेशी विकसित चिप बनाया था जिसका नाम रखा गया था शक्ति, याद रखिएगा। अगला हमारा, आईआईटी मद्रास के अनुसंधानकर्ताओं ने प्रोजेक्ट वाटर चक्र के तहत इसे बनाया था। इस प्रोजेक्ट ने जुलाई 2019 में इंडियन इनोवेशन ग्रोथ प्रोग्राम 2.0 अवार्ड जीता था। इसके तहत यूरिन को 3 दिन तक स्टोर किया जाता है और यह यूरिया से अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है, और स्टीम डिस्टिलेशन प्रक्रिया के द्वारा अमोनिया को अलग कर लिया जाता है और इसका उपयोग डिटर्जेंट तथा रबर बनाने में किया जा सकता है, आपको याद होना चाहिए। अब ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अब हम लोग कल के क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। तो मणिपुर का ग्रीन एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, मणिपुर का ग्रीन एम्बेसडर नियुक्त किया गया है वेलेंटिना एलांगबम को, वेलेंटिना एलांगबम। आपको थोड़ा सा आश्चर्य होगा कि ये मात्र 9 वर्ष की एक लड़की है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि वृक्षारोपण महाकुंभ अभियान में पौधे वितरण करके विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया, तो प्रयागराज में बनाया गया इसको। ठीक है, अगला हमारा, किस राज्य ने उच्च शिक्षा के नए मॉडल रेस का शुभारंभ किया, इसको शुरू किया है राजस्थान की सरकार के द्वारा, किसके द्वारा शुरू किया गया है, राजस्थान की सरकार के द्वारा। अगला हमारा, किस मंत्रालय के द्वारा मेघदूत मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, तो कृषि मंत्रालय एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। अगला हमारा, विश्व जनजातीय दिवस 2019 की थीम क्या है, स्वदेशी भाषाएं हैं विश्व जनजातीय दिवस 2019 की थीम। अगला हमारा, रिसर्जेंट इंडिया नामक बुक लॉन्च की गई, इसके लेखक कौन है, तो बिमल जलान। बिमल जलान कौन है, आरबीआई के पूर्व गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में विधायक बनने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति कौन बने हैं, तो दीपक राज गुप्ता बने हैं। उसके बाद है हमारा, राष्ट्रपति भवन में स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में किस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, तो उसमें एट होम कार्यक्रम का आयोजन
किया गया। अब आपके लिए एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, हाल ही में ICC टेस्ट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? सोचिए और सोच के कमेंट बॉक्स में इसका सही उत्तर बताइए। इसके अलावा मैंने कल ये इमेज के बारे में आपको नहीं बताया, देखिए हमारी वेबसाइट 15 अगस्त को लॉन्च हो रही है और विद इन अ वीक हमारा एप्लीकेशन भी लॉन्च हो रहा है, जहाँ पर आप किसी भी, अभी तक क्या होता था आप सिर्फ यूट्यूब पर पढ़ते थे, लेकिन अब आप वेबसाइट के थ्रू, एप्लीकेशन के थ्रू करंट अफेयर का अपडेट पा सकते हैं, प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर, उसके साथ साथ मॉक टेस्ट, सभी चीज़ों को ज्वाइन कर सकते थे, क्योंकि इसमें हम लोग थोड़ा सा पीछे रह गए थे, लेकिन अब आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जाएंगी। तो आप बस वेट करिएगा और 15 अगस्त को वेबसाइट पर विजिट करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप विजिट नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।